के विरोधी बताया है, फिर भी पायलट पीछे नहीं हटे, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अगर कांग्रेस इसको विरोधी बताती है तो विरोधी बताए, हम पायलट साहब के साथ हैं। पायलट साहब बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, ना कि कोई कांग्रेस सरकार के खिलाफ कर रहे हैं। ये पार्टी के कुछ नेता ऐसे जो बीजेपी से मिले हुए हैं वो वही लोग इसको विरोध बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। पायलट साहब कांग्रेस के साथ हैं, हम सब पायलट साहब के साथ हैं, पायलट साहब जो भी करेंगे पायलट साहब के साथ हैं। लेकिन जो पीछे बैनर लगाया है उसमें पार्टी का कोई भी सदस्य, ना सोनिया गांधी की फोटो है, ना राहुल गांधी की फोटो है, ना अशोक गहलोत की फोटो है, ना प्रदेश प्रभारी की फोटो है। सर ऐसा है कोई, ऐसा तो है नहीं कि और किसी नेता की हो, इनके अलावा भी नहीं है किसी की, तो ये सिर्फ बातें बनाने वाले लोग हैं। पायलट साहब कांग्रेस के, कल परसों भी देखे था आपने, जो राहुल गांधी के समर्थन में मास्क निकाल दी उसमें भी साथ है कांग्रेस के, हम लोग भी कांग्रेस के समर्थक हैं, पायलट साहब के समर्थक हैं, लेकिन ये सिर्फ कुछ लोग हैं जो पायलट साहब के गलत बोल रहे हैं। पायलट साहब की सभी को दबाने के लिए, उनको कांग्रेस के विरुद्ध बताने के लिए ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो क्या जो अभी अनशन किया है, अनशन जो कर रहे हैं, तो इसके बाद क्या पार्टी इन पे कार्रवाई करेगी? अगर पार्टी कार्रवाई करती है तो आप लोगों का क्या रुकोगा पायलट साहब का? हम पायलट साहब के साथ है, पायलट साहब के लिए मरने के लिए तैयार है, पायलट साहब गरीब युवा मजदूर के साथ है, पायलट साहब हमेशा लोगों की समस्या को उठाते हैं, हम तमाम युवा पायलट साहब के साथ हैं। तो पायलट साहब अब पांचवा साल चल रहा है, नेक्स्ट इस साल चुनाव होने वाले हैं, तो इसी साल क्या सोचा है कि अनशन पे आने का, इतना समय कहाँ थे फिर? पायलट साहब पहले धीरे धीरे अशोक गहलोत को दो बार लेटर लिखे कि हो सकता है अशोक गहलोत सरकार कार्रवाई करे, लेकिन ऐसा नहीं होना, इसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। पायलट साहब जब 21 सीटें रह गई थी उसके बाद जब सरकार में लाने के लिए जब प्रचार किया था तो उनका पहला मुद्दा था भ्रष्टाचारों के खिलाफ, लेकिन चार साल वेट करते करते चार साल निकल गए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या कारण रहे कि कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? मिली भगत है अशोक गहलोत सरकार की, मिली भगत है साफ आती है। धन्यवाद।